आज आगरा एडवोकेट एसोसिएशन की एक मीटिंग है, आम सभा है, जिसमें कि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए कि एडवोकेट का वेलफेयर किस तरह से किया जाए और कैसे किया जाए, उनको क्या क्या लाभ हैं बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से, वो उसी बारे में आज मीटिंग रखी गई है। और थोड़ा सा जो खंड पीठ का आंदोलन इतने समय से बंद पड़ा हुआ है, 40 साल से जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन आज दिन तक क्यों नहीं सक्सेस हो पाया, किस वजह से हाईकोर्ट बेंच नहीं आ पाई, उस विषय में भी थोड़ा सा सभी अधिवक्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। आगरा एडवोकेट एसोसिएशन की मैं अध्यक्ष हूँ और आगरा हित सर्वोपरि, यही उद्देश्य यही लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं। इसी के लिए आम सभा बुलाई गई है कि किस तरह हम अधिवक्ताओं के हित में आगे कार्य कर सकें और आगे हम इस बार को संगठित और मजबूत बना सकें। आज जो चर्चा का जो विषय रखा गया है वो ये है कि अधिवक्ताओं का वेलफेयर कैसे होना चाहिए, अधिवक्ताओं को जो लाभ है वो कैसे मिलना चाहिए। आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए बीमा योजना चलाई जा रही है कि एसोसिएशन के जितने भी मेम्बरान हैं उन सबको बीमा राशि कराई जाएगी, जिससे उन्हें अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई मिस हैपनिंग अगर हो जाए तो उन्हें वो आर्थिक सहायता उन्हें मिल सके। दूसरा, बार काउंसिल से जो जो सुविधाएं अधिवक्ताओं को दी जाती हैं वो सभी कैसे इन तक पहुंचे, इनके ऊपर चर्चा की जा रही है। तीसरा, नए जो अधिवक्ता आते हैं उन अधिवक्ताओं को जुडिशरी में आने के बाद में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए एक अलग से एक प्लेटफॉर्म ये तैयार करना कि उनके लिए प्रैक्टिस में आने के बाद में वो उन समस्याओं से न जूझें, जो सीनियर अधिवक्ता हैं वो उन्हें गाइडलाइन प्रदान करें। दूसरा, हमारा जो मुख्य बिंदु है, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में होनी चाहिए।